Sit at the table. Your family does. तो कैसे हो गाइस आप लोग, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों को इस वीडियो में बोलूंगा एक नए मूवी के बारे में जो आपको 24 मार्च 2023 को देखने को मिलेगा। इस मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 4। शायद आप लोगों ने पार्ट 1 भी देख लिया होगा, पार्ट 2 भी देख लिया होगा, पार्ट 3 अगर नहीं देखा तो आप लोग एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये तीनों का तीनों मूवीज बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ। क्योंकि चौथा जो आ रहा है आप लोगों को 2023 को देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने जब ट्रेलर देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी एक बार जरूर देखना, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ट्रेलर दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं या आप लोग जॉन विक 4 ट्रेलर सर्च करके आप वहां से भी देख सकते हैं। इस मूवी में स्टारकास्ट कर रहा है कियानू रीव्स, स्कॉट एंड डेनी एन, जो आप लोगों ने बहुत सारा मूवी शायद देख लिया होगा, जैसे कि केनी रीव्स का बहुत सारा मूवी है, जैसे जॉन विक, जो मैट्रिक्स, जो 1999 से स्टार्ट हुआ था, तीन मूवीज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आया है मैट्रिक्स का, और रिक्रूटमेंट जो 2021 में भी एक आया था, शायद अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये तीनों का तीनों मूवीज उतना अच्छा रेटिंग नहीं आया, पर देखने के बाद आपको मजा आएगा। सिर्फ 21 वाला वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, पर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप इन तीनों मूवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दे दूंगा, मैट्रिक्स का, उधर से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और गाइस और एक एक्टर है जो डोनी एन, शायद आप लोग सब लोग जानते हैं, जैसे कि उसने जो पिछले जो मूवीज किया है बहुत सारा मूवीज किया है, जैसे कि आइस मैन, आईपी मैन, बहुत ही जबरदस्त हुआ था और बहुत ही अच्छा हुआ था, वो जो मूवीज में एक्टिंग है जो आप देख के हैरान रह जाओगे और बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा और इंटरेक्ट करेगा मूवी। पहले थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बोर कर सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा देखने के बाद आप लोगों को लगेगा ये मूवीज पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आईपी मैन एंड आइस मैन आप जरूर देखना, मिस मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने जब देखा, देखने के बाद ही आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मूवीज देखता रहता हूँ, जैसे कि डेली एक दो मूवीज में देखता ही रहता हूँ। पर अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखा आइस मैन एंड आईपी मैन, आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे लाइक मत कीजिएगा। तो इस मूवीज में देखने को मिलेगा आपको थ्रिलर एक्शन के साथ, इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और आप मैं चाहूंगा आप एक बार थिएटर में भी देखिए, देखने के बाद ये फिल्म देख के आपको मजा आएगा, क्योंकि इस फिल्म में जो थ्रिलर दिखाएगा वो तो आप लोगों को पता है हॉलीवुड लेवल का है, तो ओरिजिनल वो सब अच्छा होगा ये मत समझिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक मूवीज नहीं देखा है, मूवी नहीं देखा है, तो मूवी देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा, ओरिजिनल रिव्यू में दाब दूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ आप लोगों को ट्रेलर देख के ही बोल रहा हूँ। तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे बहुत पसंद आया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा ट्रेलर तो आप एक बार जरूर देखना, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार मूवी जरूर विजिट कीजिएगा। और गाइस मैं इस मूवी में रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, 3 रेटिंग दूंगा, क्योंकि गाइस कुछ टाइम में थोड़ा गलतियां है जो आप लोगों को शेयर करूंगा, पर अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा जब मूवी रिलीज होगा। सो गाइस थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।